लीजिए बैक टू बैक दो दो गानों के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है 91.9 फ्रेंड्स एफएम। मैं हूं अनिमेश और जैसे कि मैंने आपको कहा था हमारे साथ अब होने वाले हैं नन अदर देन वेरी टैलेंटेड विंदु दारा सिंह। जी हाँ, अपने नए प्ले के साथ वे कोलकाता शहर आने वाले हैं। कला मंदिर में 19 जनवरी 7 PM ऑनवर्ड शुरू होने वाला है गोलमाल द प्ले। इस प्ले के बारे में कई दिनों से हम बातें कर रहे थे तो विंदु सर के साथ अब थोड़ी सी बातें होनी चाहिए, स्वैग से उनका कोलकाता में स्वागत होना चाहिए। विंदु सर आपका बहुत बहुत स्वागत है 91.9 फ्रेंड्स एफएम कोलकाता शहर में। थैंक यू सो मच। वेल, सबसे पहले आपको बता दूं कल से हमने प्रमोशन शुरू की कि आपके साथ हमारी बातें होने वाली है आपके नए प्ले के बारे में जो कोलकाता में होने वाली है कला मंदिर में 19 जनवरी को 7 PM। फुल हाउस हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कला मंदिर को। कुछ कहना चाहेंगे गोलमाल द प्ले के बारे में? नाम में ही दम है सर। देखो, हमने देखा कि लाइफ में बहुत टेंशन है तो ऐसा एक प्ले बनाया जाए जो लोग सारी टेंशन भूल जाए, हंसते हंसते घर जाए और थोड़ा सा उसमें एक लेसन भी हो कि जो बच्चों की एडमिशन है स्कूल्स में उसमें पेरेंट्स को इतनी प्रेशर नहीं आना चाहिए, इतना ट्रबल नहीं आनी चाहिए। तो फन में हमने कॉमेडी करते 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 एंड में थोड़ा सा सोशल मैसेज भी डाल दिया। क्या बात है। तो हेलो हेलो डार्लिंग में मैंने सर देखा है आपको, आप प्ले में नजर आए थे उसके बाद अब गोलमाल, तो ये एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे क्योंकि हमने आपको मूवीज करते हुए देखे, हमने आपको सीरियल्स में देखा, हमने आपको रियलिटी शो जीतते देखा, तो कुछ बताना चाहेंगे अब थिएटर में भी कैसा लग रहा है सर? अरे वो हमारी लाइफ जो है थोड़ी उल्टी पुल्टी चलती है, तो जो काम पहले करना चाहिए वो बाद में करते हैं, जो बाद में करना चाहिए वो पहले करते हैं। इसी को तो गोलमाल कहते हैं सर, यही लाइफ का गोलमाल है, उसी प्ले का भी नाम गोलमाल रखा है कि लाइफ में यानी आदमी को अगर एक्टर बनना है तो उसे पहले थिएटर करना चाहिए, थिएटर से एक्सपीरियंस लेना चाहिए बिकॉज इट्स जस्ट समथिंग वंडरफुल। लाइफ जब आप ऑडियंस की हंसी देखते हो तो आपको बहुत खुशी मिलती है। तो हमने यानी कभी पहले लोगों ने एक आध बार कभी थिएटर बोला था लेकिन मैंने कभी सीरियसली सोचा नहीं इसके बारे में, और फिर जब हेलो डार्लिंग आया तो मुझे रियलाइज हुआ कि यार थिएटर इज सो मच फन। एंड उसके बाद देखो रियलाइज हुआ कि भाई यार अगर प्रोड्यूसर तुम खुद हो तो तुम जो मर्जी कर सकते हो, दूसरा आदमी प्रोड्यूसर है तो आपको बहुत चीजें यानी सहनी पड़ती है, सुननी पड़ती है। तो मैंने डिसाइड किया मैं खुद ही एक प्ले बना लूंगा गोलमाल, और ये प्लो में जब बिकॉज आई एम द प्रोड्यूसर वी कैन डू एनीथिंग, ऑल द एक्टर्स आर वन टीम, वी डोंट हैव टू यानी फील के यार कोई प्रोड्यूसर हमें तंग कर रहा है या कुछ भी कर रहा है, हमारा जो दिल में आता है हम करते हैं। क्या बात है। और मैं सर बधाई देना चाहूंगा पूरी टीम को क्योंकि जब प्रीमियर हुई थी तो फुल हाउस हमने देखा था, तो बताना चाहेंगे पहला शो ही फुल हाउस रहा था, वो एक्सपीरियंस भी हमारे साथ अगर शेयर करें। बिल्कुल, यानी बहुत खुशी हुई थी क्योंकि हमने फर्स्ट शो उसको बहुत एडवर्टाइज किया, बहुत दुनिया को पता चल गया कि कोई प्ले आ रहा है गोलमाल, और उसे देखने के लिए हाउसफुल था तो इतना मजा आता है जब एक वो पूरा रंगशाल का भरा पड़ा था। इसीलिए हम चाहते हैं कलकत्ता वाले भी आगे पूरा सपोर्ट करें क्योंकि ये तो कोई कॉज भी बहुत अच्छा है, जितनी बारे कर रहे हैं तो आई थिंक एक गुड कॉज को सपोर्ट करें और हंसते हुए जाए, तो हम भी चाहते हैं कि कलकत्ता इज ऑल्सो फुल। उसके बाद हमने ये प्ले आई थिंक 12-13-14 शो कर चुके हैं और बहुत मजा आता है जब भी ये शो करते हैं, तो इट्स लाइक वी आर ऑल्सो लाफिंग समटाइम्स, वी हैव टू कंट्रोल आवर ओन लाफ्टर बिकॉज इट्स जस्ट हिलेरियस। बिल्कुल सही बात की। और अगर हम स्टारकास्ट की बातें करें तो एक से एक दिग्गज एक्टर्स जो है, टैलेंटेड एक्टर्स जो है वो नजर आ रहे हैं इस प्ले में, कुछ कहते हैं सर? बिल्कुल, देखो आपको जानना पड़ेगा अभी ये सारे एक्टर्स हमारी फैमिली की तरह हैं, तो हमने ऐसा प्ले बना दिया जिसमें कोई हमें तंग ना करे, कोई भी कोई स्टार ही टेंट्रम ना दे जो हम बोले भाई इधर रहना है तो इधर रहना है, इधर चलना है तो इधर चलना है, दैट काइंड ऑफ प्ले, ताकि सबके यू नो इट इज प्ले पीपल डू फॉर द लव ऑफ थिएटर एंड दैट्स हाउ इट शुड बी। दे शुड मेक अ लिटिल बिट ऑफ मनी ऑल्सो सो दैट देयर घर के किचन भी चले जी, लेकिन इट शुड बी सो दैट एवरीबॉडी हैज अ लॉट ऑफ फन एंड नाउ इफ इट्स अ सोशल कॉज देन इट्स इवन मोर फन। I'm hoping to see you in that row in the front and watching our play and see your laughter too. बिल्कुल, ये तो बस शुरुआत है, एज ए टीजर हमने आपके साथ बातें की है और इस प्ले के पहले यानी कि गोलमाल द प्ले के पहले कोलकाता में जब ये प्ले होगा उसके पहले एक बार फिर से पूरे स्टार कास्ट के साथ मैं बातें करूंगा। थैंक यू सो मच विंदु सर हमारे साथ बातें करने के लिए, आपका तहे दिल से स्वागत है कोलकाता में जब हम प्ले को देखेंगे कला मंदिर में 19 जनवरी को 7 PM। कुछ कहते हैं बिल्कुल पूरे आपके स्वैग से स्वागत किया जाएगा। थैंक यू सो मच विंदु सर हमारे साथ बातें करने के लिए, ऑल द बेस्ट एंड यू आर द बेस्ट। थैंक यू सो मच थैंक यू। मिलिए थे हमारे साथ नन अदर देन वेरी टैलेंटेड विंदु दारा सिंह जिनके साथ हमारी बातें हुई थी गोलमाल द प्ले के बारे में। 19 जनवरी को कला मंदिर में जाना ना भूलिएगा, 7 PM शुरू होगा गोलमाल द प्ले। सुनते रहो, साथ रहो, ये है फ्रीक्वेंसी फ्रेंड्स की।